हाय, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैं फ्रेश होके अभी बनाऊंगी गेहूँ बीट का रोटी, जो मम्मी पहले से ही सान के रखी है। और फिर मैं साथ में बना रही हूँ करेला का भुंजिया, जो मैं हम लोग खाना खाए साथ खाएंगे। और फिर जब मैं पहले उठ जाती हूँ तो फिर मैं काम सब कर लेती हूँ, और फिर जब मेरा 9-10 बज जाता है, जल्दी नहीं उठती हूँ, तो फिर मम्मी कर लेती है। क्योंकि कभी कभी रात में ना वो दोनों बहुत रोती है, तो फिर उन दोनों को सुलाते सुलाते मेरा मतलब मैं बैठ के ही सुलाती हूँ ना, तो फिर दूध पिलाने में टाइम लगता है, तो फिर सुबह को जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो फिर आज तो जल्दी ही उठे, तो अब आज मैं बना रही हूँ नाश्ता और सब्जी। मैं कोशिश करती हूँ उठने का, लेकिन नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि रात में भी जागती हूँ ना, तो फिर इसलिए नहीं उठ पाती हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सोना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, नींद नहीं आता ना मेरा आँख में, तो फिर उठ ही नहीं पाती हूँ। बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करेंगे, रात पे भी मतलब जाग रहे हैं ना, तो फिर इसलिए। बड़ी वाली नहीं सो रही और ये इधर उधर देख रही है, क्योंकि इसे शायद अभी साफ साफ दिखाई देता है ना। मम्मा क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ यार, ले हंस रही है, हंस रही है, चलो चलो हंस हंस हंस। और वो रही छोटी वाली, सोई गई है। क्या हुआ, नहीं 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 करना है ना, नहीं 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 करेगी ना, बात करेगी ना खूब। दिन में तो जागती ही है अभी जैसे जैसे बड़ी हो रही है, और फिर रात में भी बहुत लेट तक जागे रहती है, और सुलाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि जल्दी सोती भी नहीं है। दूध पिला देते हैं ना तो भी वो लोग नहीं सोती है और इधर उधर देखते रहते हैं। और ये तभी से सोई हुई है मैया। मैं अच्छा नहीं निकलो, ठीक है, नहीं निकलो हाँ। और वो रही वहाँ पे, गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट, इस टाइट से सोई हुई है। और मैं ये तेल गरम करके गई थी और ये गरम हो चुका है। अब मैं करेला का भुंजा बना रही हूँ। बड़ी वाली मम्मी सोई हुई है तब तक, और यहाँ पे मैं पानी उबाल रही हूँ दूध बनाने के लिए। भुंजिया बनाइएगा ना तो फिर आप ना इसमें पहले से हल्दी डाल दीजिए, इसमें बहुत अच्छा भुंजिया बनता है। कभी ये ट्राई करिएगा, मुझे तो वैसे ही बनाने अच्छा लगता है, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ हर बार। ये तो गोटा है, ये जब बन जाएगा ना तो तब भी मैं दिखाऊंगी कि कैसा भुंजिया बन गया है। जब भी वो दोनों सो जाते हैं तो फिर जो बचा हुआ काम चल जाता है वो सब मैं कर लेती हूँ से बनाकर। और जो भी दिन में तो नैपकिन यूज़ करते हैं ना, तो फिर नैपकिन जो भी यूज़ करते हैं तो फिर उसको जो वो दोनों पॉटी करती है तो फिर वो सब भी मैं साफ करती हूँ। तो पहले पानी में डुबा के रखती हूँ, उसके बाद कुछ कुछ काम करके फिर जाती हूँ, फिर साफ करती हूँ। हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा धूप है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कड़ी धूप है। मेरा पीछे का गार्डन है और ये इधर पे है।
वहाँ पे वो बनाना फला हुआ है और वो उधर साइड में भी एक पे फल रहा है। वहाँ वो दिख रहा होगा थोड़ा सा। मैं ये अब सब्जी चढ़ा दी हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एकदम खिला खिला। अब मैं जाती हूँ फिर से मैया दोनों को देखने। इधर पे अभी बातें कर रही है मैं, क्या हुआ? और आजकल ना वैसे होता है, दोनों साथ में जागती है या फिर साथ में सोती है, या फिर एक को सुला देते हैं तो दूसरी फिर उठ जाती है, फिर उसको सुलाते हैं फिर वो उठ जाती है, उस टाइप का आजकल चल रहा है। दोनों को सुलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि फिर मतलब जल्दी में नहीं सोती है ना। मैं अभी इन दोनों का गंदा वाला जो कपड़ा है वो सब मैं साफ़ कर लूँगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है अभी, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे धोया मतलब धोना चाहिए बोलते हैं, तो फिर इसलिए मैं पहला कपड़ा साफ़ कर लूँगी। और अभी बड़ी वाली सो गई है और छोटी वाली उठी है, तो मेरी ननद है तो वो देखती रहेगी। ये देखो चुलबुल सो रहा है। क्या हुआ? बर्फी बहुत ज्यादा धूप है, नल पे साफ करेंगे हम लोग। ये भी प्रेग्नेंट है शामी, और नहीं ये तो पारो है, पारो। और वो रही वहां पे शामी। टॉमी टॉमी आ। ये यहाँ पे नल है जो यहाँ पे हम साफ करेंगे अभी। तभी से इसको सुलाने का मतलब तभी से इसको सुलाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सो बिल्कुल नहीं रही है। इसको मुंडी बहुत उठता है। ये देखिए, ये इसको दूध पिलाया लेकिन दूध पीने के बावजूद भी नहीं सो रही। क्या हो गया माई? मुझे तो नींद आ रहा है, लेकिन छोटी वाली अब भी नहीं सोई है। छोटी वाली को सोने सुलाने का फिर से कोशिश कर रहे हैं, और बड़ी वाली जो है, बड़ी वाली ये रही सोई। ये तभी से सोई हुई है, एक बार भी नहीं उठी है, बस सुसु की थी तो तब थोड़ा उठी थी। और ये जब इसके उठने से पहले हम इसको छोटी वाली को सुला लेते हैं। ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नींद पे है, और अब इसे मैं पैर पे सुला कर देखूंगी। सही
शायद ये अभी सो जाएगी। अब ये सो रही है। गुड नाइट माय। पांच मिनट बाद फिर हमें ये देखने को मिलता है, फिर उठ जाती है, सुला दिए थे, फिर उठ गई, फिर अभी इसको सुलाना पड़ेगा दूध पिला के। आजकल इन दोनों को सुलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है, और दोनों साथ में रो देती है ना, तो फिर इसलिए दोनों को सुलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हर दिन मेरा इन दोनों को सुलाते सुलाते ही 12 बज जाता है, और फिर अब जैसे ही अभी 2.5 मंथ की हो गई है और फिर अब तो ज़्यादा ही जल्दी नहीं सोती है, मतलब इधर उधर देखते रहती है। बड़ी वाली जो है वो थोड़ा सा लंबा नींद ले लेती है, और फिर ये जो छोटी वाली है ना वो मतलब कुछ देर में उठ ही जाती है। आजकल दोनों थोड़ा सा नौटंकी करती है, थोड़ा थोड़ा रोती है, और फिर थोड़ा झूला झुला देने से, गोदी करने से चुपचाप हो जाती है। और अभी ये देखिए फैन देख रही है, ऊपर चल रहा है, दोनों फैन को बहुत देखती है। आजकल इन दोनों के साथ बातें करते ना, तो फिर इन दोनों के साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता होगा। सुला देते हैं, फिर थोड़ा देर में देखते हैं, फिर आँख खोल देती है एकदम से साफ साफ। दिन भर रहते रहते मैं इन दोनों का थोड़ा थोड़ा आदत जान रही हूँ, कैसे वो दोनों सोती है, किस टाइम पे वो दोनों रोती है। वैसे ही दोनों को सुलाते सुलाते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, सेकेंड टाइम हो जाता है, तो फिर मेरा खाना भी मैं कभी कभी 3 बजे खाती हूँ, और फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि एक बार इसे थोड़ा ध्यान देना और फिर उसे, तो फिर ये अब देखो ये कैसा देख रही है। क्या हो गया? पहले बड़ी वाले को तभी मैं सुला दिए थे, अब ये भी उठेगी साथ में। खाना खा ली हूँ, जब दोनों सोई थी तो तब मैं खाना खा ली हूँ, सबसे मतलब तभी मैं जब कपड़ा सब धो ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप किया था। तो उस छोटी वाली अब सो गई है, और फिर मैं भी थोड़ा सा लेट गई हूँ, और जो फॉर्मूला दूध हम लोग दे रहे थे सिमिलैक्स का, तो फिर वो हम लोग आदत होने के लिए दे रहे हैं, तो फिर ये 60 ml का बनाए थे, तो फिर थोड़ा सा ही पी। छोटी वाली थोड़ा सा नखरा करती है, और फिर बड़ी वाली तो ठीक से ही पी थी, और फिर कल पी थी 90 ml पी के ख़त्म कर दी थी, तो आज हम लोग 60 ही बनाए थे, तो छोटी वाली नहीं पी, और बड़ी वाली तभी मेरा ही दूध पी, तो फिर उसको तो आज नहीं पिलाए हैं, शाम पे पिलाएंगे उसको। ये भी खूब पैर चला रही है। Hey, mommy. Hey. हंस रही है ना मई, हंस रही है, हम दिख रहे हैं मई, लात मार रही है छोटी मैया को टेढ़ा होके। ये दोनों को फिर से करेंगे हम लोग मालिश। दोनों जागी हुई है, और इसको मुझे और टेढ़ा हो। आए 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 नहीं माय आए
ये दोनों हमेशा सोते सोते ना कहाँ से कहाँ हो जाती है, कहाँ घूम जाती है ये देख सकते हैं वीडियो पे। उसका थकिया से वो नीचे उतर ही गई है। मम्मी ये दोनों का रखवाला नीचे पे सोया हुआ। शाम हो रहे हैं तो मैं ये दोनों को अभी मालिश कर देती हूँ ना मम्मी। क्या हो गया छोटी मैया को, इतने अति गई तरह मेरा सुबह से शाम तक ऐसा रूटीन होता है। और हमारे हर दिन के ब्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर दे। बाय।